शॉपिंग का, तो देखिए ये कोई क्या जरूरत है बोलिए, अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत? अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहाँ पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। तो पूरा इतिहास बदलना है इसलिए सब चीज को बदल लीजिए ना, ऐसे भी कहीं होता है। ये बात भी, दूसरी बात भी सही, जो केंद्र ने 11 में किया आपको करना चाहिए था, और हम लोगों ने अपने राज्य में किया तो इस पर तरह तरह का बात किया, 1000 वाला बंद कर दिया, 2000 वाला लागू किया, अब उसको भी बंद कर रहा है। अब यही नकबत जब आएगा क्या मतलब? एक एक चीज जब कोई भी सरकार करती थी तो वो लोग लिखते थे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, तब आप लोगों को तो अधिकार ही अब आजकल खत्म कर दिया, नेता आप ही लोग पूछते तो जनता को भी ठीक से जाता। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ अंजलि तिवारी। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर बिहार में जेडीयू और आरजेडी पूर्ण रूप से विरोध कर रही है। इन लोगों का कहना है कि नए संसद भवन का उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को करना चाहिए, लेकिन कल यानी कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन है, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग का एक बैठक बुलाया गया था जिसमें नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया था, लेकिन नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं, कारण वो बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का आज जो है पुण्यतिथि है, जिसके कारण नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन क्या करोड़ों के लागत से बने नए संसद भवन विपक्षी के बिना अधूरा लगेगा कि नीतीश कुमार वहां शामिल नहीं हो रहे हैं? तमाम तरह के मुद्दों पर नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। आप जानते ही हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का आज जो अंतिम संस्कार तो पुण्य तिथि का कार्यक्रम बिहार में बहुत पहले से इसकी शुरुआत है, और आप जानते हैं कि हर वर्ष हम लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो अभी जो वहाँ केंद्र में एक मीटिंग के बारे में तय हुआ तो उसकी सूचना काफ़ी दिन पहले आई, तो वैसे 27 तारीख था तो हमने उसी समय सूचना दे दिया कि भाई ये तो सुबह है, अगर सपोज करिए आफ्टरनून में होता तो हम यहाँ कार्यक्रम अटेंड करके लौट आते, लेकिन चूंकि सुबह ही है और यहाँ सुबह कार्यक्रम होता है हम तो नहीं आ पाएंगे, और हम अपने इसके बिहार की तरफ से अन्य लोगों का नामकरण और अधिकारियों का हम लोगों ने भेज दिया कि ये उनकी जगह पर जाएंगे, लेकिन उसको भी वो लोग नहीं कुछ माने, कहे कि ठीक है कोई नहीं है। तो आप तो ये समझ लीजिए कि आप आखिर क्या चीज, आवाज़ तो देख रहे हैं हम तो न्यूज़पेपर में सर इधर, और मेरे ही मेरा तो कारण यही था, और बाकी ही 5 जगह के लोग नहीं आए हैं, आज ही सूचना हमको देखने को मिला वो लोग भी नहीं जा रहे, तो एक अलग बात है, लेकिन हम लोगों का तो इसके कारण था। तो बात जो भी है, और कल की बात जो आप लोग कह रहे हैं ना पार्लियामेंट वाले की बिल्डिंग का, तो देखिए ये कोई क्या जरूरत है बोलिए, अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था? हम तो दिल्ली जो गए हैं सब लोगों से ऐसे भी हम किए, और शुरू में भी बात हो रहा था कि बन रहा है ये हो रहा है, तो हमको तो अच्छा नहीं लग रहा था, ये जो इतिहास है। अरे आज़ादी हुई तो जो चीज़ पर फिर जहाँ पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए, अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं, क्या पुराना इतिहास ही बदल दीजिएगा? तो बेकार चीज़। खैर अब अन्य पार्टियाँ तो और कारण से राष्ट्रपति जी को नहीं बुला करके ये करें, वो सब तो भी कारण है, लेकिन हमसे पूछिएगा तो हमको तो बड़ा ये लगता है कि उसकी क्या ज़रूरत थी अलग करने का, जो था बिल्डिंग उसी को ना करना चाहिए, आज जो इतिहास है उसको भुला दीजिएगा क्या, कल होकर के इसको ख़त्म कर दीजिएगा तो क्या पता चलेगा? तो आप जान लीजिए अब जो शासन में आजकल हैं हम बराबर कह रहे हैं उस सारे इतिहास को बदल देंगे, आज़ादी की लड़ाई के इतिहास को बदल देंगे। हम लोग तो एक एक चीज़ को मानते रहते हैं, देख लीजिए जो पहले प्रधानमंत्री थे सर, चल ये जवाहरलाल नेहरू जी तो इनके लिए तो हम लोग आते हैं कोई मतलब है, जब इनका डेथ हुआ था तो हम लोग तो स्कूल में पढ़ रहे थे उस समय, तो उसी समय हुआ तो बड़ा खराब लगा कि ये हो गया, ये सब तो बचपन की बात है, एक एक चीज़ तो हम लोग तो मानते हैं, और भले ही हम लोगों का आंदोलन जिस कारण से भी हुआ
बीजेपी के नेतृत्व में सब कुछ हुआ उससे एक अलग चीज़ है। तो हम लोग तो मानते हैं देश का जो इतिहास है वो बहुत आवश्यक है, तो इसीलिए आज को मेरे जाने का कोई दुख नहीं था और कल वाला तो सचमुच देखा है सर, कोई मतलब नहीं सर। बाकी लोगों को भी हम कहेंगे कि इस बात को समझिए भाई, आखिरकार नया बनाने की क्या जरूरत थी, आवश्यकता क्या थी? आ इतना दिन से शासन चल रहा था तो और किसी को लगा था क्या? इन्हों को तो पूरा इतिहास बदलना है, इसलिए सब चीज को बदल रहे हैं सर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा का, उनको भी नहीं बुलाया गया क्या? हाँ, वो तो सोच लीजिए ना, ऐसे भी कहीं होता है ये बात भी, दूसरी बात भी सही है। अगर इस तरह से कोई नई चीज होता है तो कौन है जिनको बनाते हैं? वो होते हैं वही ना भाई, तो उनको तो नहीं बुलाए, तो इसलिए अब अपने से कर रहे हैं, तो इतिहास भी बदल रहे हैं, तो ये सब कोई मतलब नहीं। ऐसा आज तक कहीं होता है जी? आ देख रहे हैं हम लोग सब जगह कहाँ बुलाते हैं। नीति आयोग का रेलिवेंस कम हो गया, बहुत सारे मुख्यमंत्री नहीं। नीति आयोग में तो अगर जाते तो आप लोगों को पता चलता कि हमने जितनी बात की, हम तो फिर इस चीज को रेज करने वाले थे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दिया। और बताइए, जाति आधारित जनगणना जो केंद्र ने 11 में किया, आपको करना चाहिए था, और हम लोगों ने अपने राज्य में किया, तो इस पर तरह तरह का बात क्यों आ गया है? इस सब चीज को, और दूसरी बात है कि कितना भी जो डेवलपमेंट के लिए जो मिलना चाहिए और जो पहले होता था उस हिसाब से कोई डेवलपमेंट के लिए तो केंद्र का वो मदद नहीं मिल रहा। तो इसलिए इन सब चीजों पर जो बात कहते रहे हैं वो तो फिर कहते हैं। तो बिहार की बात सर आगे कैसे बढ़ेगी? बिहार में तो हम लोग इतना काम कर रहे हैं तो देख नहीं रहे पड़ रहा है, लेकिन अगर कर देते तभी बिहार बहुत आगे बढ़ गया होता। अब नहीं है तब भी हम लोग तो विस्तार ही न कर रहे हैं। लगाने को लेकर सारे लोग कल के कार्यक्रम में जा रहे हैं, कल वाले कार्यक्रम में, कल भवन वाले कार्यक्रम में मायावती जा रही हैं, जगनमोहन रेड्डी जा रहे हैं, अकाली दल के लोग जा रहे हैं, तो क्या विपक्षी एकता को झटका लगेगा इस पर? कौन जा रहे हैं हमको नहीं पता, कौन जा रहे हैं? बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि राज्यपाल को आपने भी नहीं बुलाया था, यहाँ जो विस्तारित भवन आपने बनाया था विधानमंडल का, जो हुआ था जो विधानमंडल का विस्तारित भवन आपने बनाया था, सही बात है। वो हम सामना करवाए, वो तो मेरे साथ ही न था जी सर, तब भूल गया कि जो चीज की कमी थी उसी बिल्डिंग का नाम बढ़ाए हैं। नया थोड़े बनाए, नया थोड़े बनाए हैं, नया असेंबली का कोई भवन बनाए हैं, हम लोग तो उसी का एक्सपेंशन किए हैं ना। तो आप जानते हैं कि जो भी कमेटी बनती थी उनको बैठने की जगह नहीं, तो सबका एक्सपेंशन करके सबके बैठने का जगह बनाए, ये कौन चीज कह रहा है भाई? साथ ही था, हम जो बनाए तो भूल गया है। अब भूल इसलिए गया है कि अभी जो लीडर है वो चाहते हैं सब चीज को बदल दो, और क्या हो गया? 2000 के नोट जो बंद कर दिए गए, 2000 के नोट आए थे, नोटबंदी हुआ था उसके बाद 2000 के नोट लाए गए, अब 2000 के नोट भी प्रचलन में नहीं रहेंगे। 2000 के नोट, 2000 आप बोलिए, 1000 वाला बंद कर दिया, 2000 वाला लागू किया, अब उसको भी बंद कर रहा है। अब यही लग जब आएगा क्या मतलब है? अब 1000 का बंद किया तो फिर अपना नया बनाते कुछ नहीं, अब 2000 का किए उसको भी बंद कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? तो इन्हीं से ना पूछिए, हमको लगता है कि आप लोगों में से अपने पार्टी के सब नेताओं को कहिए, कहिए कि तेरा ये सब चीज भी पूछो ना, तो आप लोगों का कोई पूछेगा? आप ही लोग जब पहले करता था प्रेस कर, एक एक चीज जब कोई भी सरकार करती थी तो वो लोग लिखते थे कि ये क्यों नहीं हो रहा है, तब आप लोगों को तो अधिकार ही अब आजकल खत्म कर दिया, नहीं तो आप ही लोग पूछते तो जनता को भी ठीक से जाता। अरे आप अब इनके टाइम का जो पिछले 3-4 साल से आप लोगों पर हो गया है, इसके पहले का सब चीज देखिए ना, कितना बढ़िया से एक एक बात था आप लोग लिख, आप लोगों के अखबार में लिख देता था। बताएंगे वो तो हम बताएंगे, बात कर लिए, जब भी होगा कर लेंगे।
अभी जा रहे हैं, हम जो यहाँ बनवाए रहेंगे तो इसके बगल वाले का भी हमने कह दिया था पिछली बार उसको ठीक करना, अब करीब करीब ठीक कर दिया, वही हम देखने रहे। आप लोगों ने सुना कि नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। नीतीश कुमार ने 2000 के नोट बंद हो जाने पर कहा कि कभी वो 1000 का नोट बंद करते हैं, कभी 2000 का नोट बंद करते हैं, यही बचा है कि नोट चालू करो और फिर बंद करो। वो तमाम तरह के मुद्दों पर बात कर रहे हैं और प्रेस वालों को भी कह रहे हैं कि पहले के प्रेस थे जो सरकार की तमाम कमियां लिख दिया करते थे, लेकिन अब शायद आप लोगों से ये अधिकार छीन लिया गया है। धन्यवाद। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने और सुनने के लिए बने रहिएगा मीडिया दर्शन के साथ।